नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऑटो मार्केट के प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक ऑटो मार्केट धर्मशाला में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। विपिन थरेजा से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर चिंता प्रकट की। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपिन थरेजा से फिरौती मांगने पर शहर में भय का माहौल है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 5 दिन बीते जाने के बावजूद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। इसके कारण पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन ने विपिन थरेजा को जान से मारने की धमकी देने और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो 27 नवंबर को व्यापारी सम्मेलन करके बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने DIG बलराम राणा से भी टेलीफोन पर बात करके अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा। हिसार से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। खुलेआम टेलीफोन पर एक बार नहीं, अनेकों बार जान से मारने धमकी देकर 25 लाख की फिरौती मांगी गई और 18 तारीख को जिसकी कंप्लेंट सिटी थाने के अंदर दी गई है, 5 दिन होने के बावजूद भी आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जिसके विरोध के अंदर ये मीटिंग रखी गई थी। बीच में अपने DIG साहब बलराज राणा से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम जल्दी ही पकड़ेंगे जो जिस टेलीफोन जिस मोबाइल से फोन आया था और जिस दुकानदार ने जो सिम बेचा था, उस सिम की जो मामला है वो ID जो फर्जी ID से वो सिम दिया गया है। दुकानदार को बुलाया होगा, उन्होंने दिखाया भी है ये सिम जो बेचा है इस ID बेचा है, मगर क्या है अभी तक अपराधी ना पकड़ने के कारण परिवार ऑटो मार्केट शहर के व्यापारियों पूरा दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। करोड़ों अरबों रुपये हम टैक्स किस बात का देते हैं, इस बात का देते हैं ताकि व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा सरकार अच्छे ढंग से करे, उचित ढंग से करे, पर सरकार पूरी तरह से फेलियर है, कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ इस मीटिंग में फैसला लिया है 27 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे, जैसे DIG साहब ने कहा हम पकड़ेंगे, हमने उनके आप आश्वासन पर लगा लो, आप कुछ दिन समय दिया है, 27 तारीख को मीटिंग करेंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए 27 तारीख को मीटिंग के अंदर फैसला लेके ऑटो मार्केट बंद का निर्णय लेंगे, उसके बाद शहर बंद का निर्णय लेंगे, फिर भी नहीं पकड़े गए तो हम सुनो हरियाणा बंद का निर्णय लेंगे। ये फिरौती अपहरण का मामला यहाँ खाली सारी सारणी जी निकंदर 50 लाख मांगे तो शाम के अंदर गोली मारी गई व्यापारी के पास, वहां मांगे गए। इसी प्रकार पानीपत में है, गुड़गावा में है और शिवानी के अंदर जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही है, गोली मारी जा रही है और सरकार पूरी तरह से मतलब जान माल की सुरक्षा करने में व्यापारी व आम जनता की पूरी तरह फेल सिद्ध हुई है। जी सरकार से मांग है, पुलिस प्रशासन से मांग है, जो फिरौती मांगने वाले जो भी अपराधी है उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरा हरियाणा का व्यापारी एकजुट है, एकजुट होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।